जल विभाग को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जल विभाग में रिश्वत खोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, लोगों की आवाज जिंदाबाद, जल शक्ति विभाग मुर्दाबाद, जल शक्ति विभाग मुर्दाबाद। जम्मू के लोगों को प्यासा मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोगों को प्यासा मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जल शक्ति विभाग में रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, जल शक्ति विभाग की लूट की शोट करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पार्टी जिंदाबाद, लोगों की आवाज जिंदाबाद, जल शक्ति विभाग मुर्दाबाद, पीएचपी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। काफी जो मुश्किलें पीएचपी विभाग के जो अधिकारी हैं उनको देखने को मिली है, वो हड़ताल काफी जारी की जगह। पीएचपी विभाग मुर्दाबाद, 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 पीएचपी विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीएचपी पक्का काम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पीएचपी में रिश्वत खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। पीएचपी विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्टाचार में लिप्त पीएचपी विभाग मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। शक्ति विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीएचपी विभाग हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। शक्ति विभाग हाय हाय, हाय हाय। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जल शक्ति डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
करिए सर इधर। गांव में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है, लोगों को कई कई किलोमीटर पैदल चलकर पीने का पानी मुहैया करना पड़ता है। बार बार इन अधिकारियों को इस बारे में आगाह करने के बावजूद भी कोई प्रयास इनकी तरफ से नहीं किया जा रहा है लोगों को पाइप पीने का पानी मुहैया करवाने के लिए। इस कोरोना काल में जहां लोगों को अंदर ढक करके रखा हुआ है, खाने के लिए उनके पास नहीं है, खाने का इंतजाम तो किसी न किसी तरीके से वो लोग उधार उठा के कर रहे हैं, लोग भी जो है कुछ एक मदद कर रहे हैं, लेकिन पीने के पानी की वजह से आज पूरे गांव के अंदर त्राही बांध मचा हुआ है। जहां भी चले जाइए पीने के पानी की इतनी किल्लत है और किताबों में ये पानी दे रहे हैं, हकीकत में किसी को पानी नहीं मिल रहा है। जो पैसा आता है पीएचसी का, हम पूछना चाहते हैं वो कहां जा रहा है, वो इन अधिकारियों की जेबों में जा रहा है, जो इनके पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनकी जेबों में जा रहा है। अलग अलग गांव में पानी की समस्या है। रामनगर की मैं बात करूं तो वहां का जो एमएलए था वो कहता था 60 करोड़ रुपया यहाँ पिछले 4 साल पहले आया, वो पैसा कहां गया उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। पैसे को जिस तरीके से लूटा जा रहा है, जिस तरीके से मिली भगत से लोगों के पीने के पानी के ऊपर भी डाका डाला जा रहा है, उसे पैंथर्स पार्टी कबूल करने के लिए हम इस तैयार नहीं है। आज हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से, नरेंद्र मोदी जी आपको जवाब देना होगा, जो आप जल जीवन मिशन के नारे पिछले 4 वर्षों से दे रहे हैं और गांव के अंदर कहीं कहीं एक एक बूंद पीने की पानी की नहीं है, हम लोगों के साथ इस किस्म का अत्याचार कभी नहीं होने देंगे। इसके लिए जान की बाजी लगा देगी पैंथर्स पार्टी। और आपको पीने का पानी जो अधिकारीगण अपने ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, जो अभी सर हजरात अपना काम नहीं कर रहे हैं, उनके आने वाले वक्त में लोग मुंह काला करेंगे। मैं आपको बता दूं इस तरीके का आपका रवैया पैंथर्स पार्टी कभी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। गांव के अंदर न पानी है न बिजली है, 1 घंटा बिजली देते हैं 4 घंटे कट लगाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ऑफिसर कोई अधिकारी गांव के लोगों की संभाल लेने वाला नहीं है, जिसकी आप कड़ी मुजम्मत करते हैं। इसलिए आज हमने यहाँ चीफ इंजीनियर के दफ्तर के बाहर अपना प्रदर्शन करके अपने रोज का इजहार किया है। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हो